हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर अबाउट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री फॉर्म को क्रिएट करना सीखेंगे। अगर आप सभी का डेटा एंट्री का काम है तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिस टेक्निक का आज हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे, ठीक है, इसकी हेल्प से जो है आप अपने डेटाबेस में यानी डेटा की एंट्री जो है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं और आपको जो है फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक रैंडम सा स्टूडेंट का एक फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। आपके केस में फॉर्म कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कुछ मेन एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद स्टूडेंट आईडी हो गई। स्टूडेंट आईडी के बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के बाद हो गया स्टूडेंट का लास्ट नेम। फिर उसके बाद उसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उसका मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया मोबाइल नंबर। अब उसके बाद वो मेल है फीमेल है, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे जेंडर। अब इसके बाद स्टूडेंट जो है हमारे इंस्टीट्यूट में किस कोर्स में एनरोल है, तो उस कोर्स का यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। जैसे कोर्स यहाँ पे हमने लिख लिया। कोर्स के बाद हम उसका एड्रेस के लिए स्टेट लिख लेते हैं, किस स्टेट से वो स्टूडेंट आ रखा है, सिटी कौन सी है। सिटी के बाद हम वहाँ पर लिख लेते हैं अब एड्रेस नेक्स्ट सेल के अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट सेल के अंदर हम यहाँ पर लिख लेते हैं पिन कोड, ठीक है। ये कुछ ज़रूरी एट्रीब्यूट्स थे जो कि मैंने यहाँ पे रैंडमली उठा लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट्स की एंट्री कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। आपको क्या डेटा एंट्री करनी है उस हिसाब से जो है आपको इसको एंट्री कर लेनी है जो जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो चलिए अब इसको जो है हम अरेंज कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमें दिखाना है। एड्रेस मैं इतना दिखा लेता हूँ और पिन कोड को मैं इतना दिखा लेता हूँ, तो ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में जो है आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिए या आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का आप जो है यहाँ पे नेम जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स वाई जेड लर्निंग पॉइंट। यहाँ पे मैंने एक ऐसी रैंडम सा नेम उठा लिया है। अब इसको जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और इसको फॉन्ट को फॉन्ट के साइज़ को मैंने इंक्रीज़ कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड में मैं कलर दे देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने येलो कलर दे दिया। अब यहाँ पे जितने भी हमने एट्रीब्यूट्स लिखे हैं ये सभी को जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक नीचे तक एक सेल नीचे तक जाऊँगा और इसको ऑल राउंड में कर देता हूँ, जैसे सभी साइड जो है आ जाए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जैसी हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर की एंट्री करेंगे तो सेकंड नंबर में भी जो हमने फॉर्मेटिंग करी है वो भी अप्लाई हो जानी चाहिए। तो सबको तो पहले मैं अप्लाई कर लेता हूँ और सेंटर में इसको अरेंज कर लेता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ, जिससे कि मेरी सभी एंट्रीज जो है बोल्ड में हो और सेंटर में अलाइन हो, ठीक है। तो इतना बड़ा हमने इसको बना लिया। अब क्या करेंगे, जैसे मैं वन नंबर पर एंट्री करूँ और सेकेंड नंबर की मैं एंट्री करूँ तो ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग जो है नीचे अप्लाई हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे करना है ये चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले जो है फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपनी टेबल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए मैंने यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करना है, ठीक है, इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ गया है। इसमें आपको चेक पॉइंट पे हेडर कर देना है कि हाँ हमारे इस टेबल में हेडर्स प्रेजेंट से हेडर क्या है, ये सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर, स्टेट, ये सारी चीज़ जो हो गई हमारी हेडर्स हो गई। अब यहाँ पर जो है आप कोई भी प्रीसेट फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, क्योंकि इसी हिसाब से जो है अब ये अरेंज होगा। तो मैं अपने केस में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, चलो इसको कर लेता हूँ। अब होगा क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो भी एंट्री करूँगा ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग जो है ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। तो चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्म को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर चलते हैं ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में जाने के बाद आपको फॉर्म को ना यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट कस्टम रिबन पे आना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल कर देना है, ठीक है, ऑल कमांड्स पे टिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे और आपको ना यहाँ पर बहुत ध्यान से ढूंढना पड़ेगा फॉर्म को, ठीक है। वहाँ पर सिंपली फॉर्म लिखा है, तो देखिए हम एफ वाले सेक्शन में आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको फॉर्म को फाइंड करना है कि फॉर्म कहाँ पर है, तो आप इसको यहाँ पे ढूंढ लीजिए। नहीं तो आप फॉर्म जो है डायरेक्टली ऊपर पिन भी करके रख सकते हैं अगर आप चाहे तो, जिससे कि आपको जल्दी से आसानी रहे। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे आपको फॉर्म को ढूंढ लेना है कि फॉर्म कहाँ है। इसको थोड़ा सा हम नीचे और स्क्रॉल कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर फॉर्म देखिए ये फॉर्म मिल गया है। अब फॉर्म को जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे इस वाले सेक्शन में, ताकि हमारे होम वाले उसमें वो दिखे। तो हम इसे कहाँ ऐड करना चाहते हैं, हम इसको इस जगह पे ऐड करना चाहते हैं। तो इस जगह ऐड करने के लिए ये हमारा होम का सेक्शन है, होम टैब। तो होम टैब में देखिए मैं इसको ऐड करूँगा, तो होम टैब को मैंने सिलेक्ट किया और नीचे आपको ना एक न्यू ग्रुप जो है क्रिएट कर देना है। बस यहाँ पर सिंपल सा ये काम कर देना है।
अब इसके बाद जो है आपको अपने फॉर्म को सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। देखिए ऐड हो गया। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पे जो है फॉर्म आ गया है। तो जैसे कि आप सभी ने देखा हमने यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन को लिया है। अब इसके अंदर जो है हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे एक सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है एक फॉर्म जो है ओपन हो के आ जाएगा जो कि एक्सेल द्वारा जनरेट किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसके अंदर जो है आप बेसिक सी जो भी एंट्रीज हैं आपकी, बस उस एंट्रीज को यहाँ पर फिल करते जाना है। जैसे कि स्टूडेंट का सीरियल नंबर, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, स्टूडेंट का जैसे मोबाइल नंबर हो गया। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जेंडर लिख देना है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, जो भी इसकी बेसिक डेटा एंट्री है ना आप इसके अंदर पूरी डेटा एंट्री कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे अब सिटी में देहरादून लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे रैंडम पर्सन के नेम जो है यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और एड्रेस भी मैं यहाँ पे एक से नॉर्मल सा ISBT कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, और पिन कोड भी एक रैंडम सा पिन कोड मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब जैसे मैं एंटर करूँगा ना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री हो चुकी है फॉर्म के अंदर। अब इसके अंदर मैं अब सेकंड एंट्री आपको करके दिखाता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैंने इसे टेबल में क्यों कन्वर्ट किया। तो अब सेकंड एंट्री में जैसे मैंने सीरियल नंबर 2 दे दिया, अब स्टूडेंट की आईडी दे देता हूँ रैंडम सी, अब एक स्टूडेंट नेम दे देता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम आयुष कर देता हूँ और लास्ट नेम यहाँ पे त्यागी कर देता हूँ, और यहाँ पे हम मोबाइल नंबर की एंट्री कर देते हैं, उसके बाद जेंडर बता देते हैं, फिर कौन से कोर्स में हैं ये भी बता देते हैं, और ये सारी की सारी जो डेटा एंट्रीज हैं इसको मैं फटाफट फिल कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि मैंने आपको ऐसा क्यों करवाया था, क्यों टेबल में कन्वर्ट करवाया था। इससे जो है आप ही को फ़ायदा जो है मिलने वाला है, आपको बार बार जो है फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट अब यहाँ पे मैं पिन कोड की एंट्री कर लेता हूँ। अब आप देखिए जैसे ही फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एंटर करूँगा ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है पूरी फॉर्मेटिंग के साथ डेटा एंट्री हो गई है। हम यहाँ से प्रीवियस कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये फॉर्म से जो है आप सारी की सारी डेटा एंट्री यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अब बस आपके जैसे ही डेटा एंट्री वगैरह हो जाए तो फटाफट सेव कर लीजिए, और मैं तो सेव करने के लिए आपको यही बोलूँगा, मैंने इसे स्टार्टिंग में सेव नहीं किया। जैसे आप काम करना स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सेल शीट में या किसी भी वर्क में तो स्टार्टिंग में ही आप सेव कर लिया कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी को वीडियो जो है जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।